हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय जानकी स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम आपको मोबाइल से डिस्काउंट निकालना सिखाएंगे। यदि आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो उस पर हमें दुकानदार कुछ न कुछ डिस्काउंट देता है, तो वह डिस्काउंट हम जल्दी में कैसे निकालेंगे, क्योंकि उस समय तो आपके पास पेन कॉपी होता नहीं, आपके पास रहता है मोबाइल। तो आप मोबाइल से डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, वह इस वीडियो में आपको बताएँगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। जैसे मान लीजिए हम जींस खरीदने गए, उसका एमआरपी दिया है 1500 रुपया, उस पर हमें छूट दे रहा है 25% का, यानी डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो हमें दुकानदार को कितना रुपया देना होगा। तो देखिए, हम अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लेंगे। उसमें हम पहले टाइप करेंगे 1500। इसके बाद हम यहाँ पर देखें छूट दे रहा है 25% का, तो हमें माइनस करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 25। अब देखिए यहाँ पर परसेंट है, तो हम परसेंट लगा देंगे। देखिए परसेंट लगाए तो हमें कितना आ गया, 1125 रुपया आ गया। यानी 1500 का जींस को हमें 1125 रुपया देना होगा। यहाँ पर 25% मेरा छूट था और 1500 रुपया मेरा MRP था, तो हमें छूट मिलने के बाद यह कितना आ रहा है, 1125 रुपया आ रहा है। यानी इतना ही पैसा देकर हम सामान को ले सकते हैं। मान लीजिए हम जूता ख़रीदने गए, उसका MRP दिया है 5000 रुपया, दुकानदार उस पर हमें 30% का छूट देता है, तो हमें कितना पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा। देखिए इसका MRP कितना दिया है, 5000 दिया है, 5000 टाइप करेंगे। इसके बाद हम माइनस कर देंगे, तो हमें डिस्काउंट यहाँ पर कितना कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है 30%। तो यहाँ पर हम 30 डाल देंगे, अपने मोबाइल में जो परसेंट होगा वह परसेंट को दबा देंगे, तो परसेंट दबाए तो यह कितना आ गया, 3500 रुपया आ गया। तो देखिए यहाँ पर 5000 के सामान था, इस पर हमें 30% का डिस्काउंट मिला है, तो यह सामान हमें कितना में मिल रहा है, 3500 में मिल रहा है। 5000 के सामान, इस पर हमें 30% डिस्काउंट दिया, तो यह सामान हमें कितना में मिलेगा, यह जूता हमें मिल जाएगा 3500 रुपया में। TV ख़रीदने गए, उसका MRP दिया है 15000 रुपया, उस पर हमें 10% का दुकानदार छूट दे रहा है, तो हमें दुकानदार को कितना रुपया देना होगा। तो देखिए हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। पहले यहाँ पर हम टाइप करेंगे 15000 रुपया, 15000 हो गया। इसके बाद हम माइनस करेंगे, माइनस कर दिए, हमें 10% का छूट दे रहा था, यहाँ पर 10 डाल देंगे। और परसेंट देखिए आपके कैलकुलेटर में यहाँ पर परसेंट दिया रहेगा, कहीं पर नीचे दिया रहता है, कहीं पर यहाँ ऊपर दिया रहता है, परसेंट के परसेंट दबा देंगे। देखिए परसेंट दबाए तो हमें कितना आ गया, 13500 रुपया आ गया। तो देखिए 15000 का सामान था, उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिला है, तो यह हमें कितना देना पड़ रहा है, इसको 13500 रुपया देना पड़ जा रहा है। इतना पैसा दे करके हम सामान को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर 15000 का सामान हमें 13500 में मिला, यानी 10% का छूट मिला, तो यह सामान का दाम कितना हो गया, 13500 रुपया। तो हमें दुकानदार को 13500 रुपया दे करके TV क्यों ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।